हो रही है हॉस्पिटल, ये मेरा दूसरा मायका है जहाँ मैं हर हफ्ते पहुँचती जाती हूँ, तो मैं फिर से आज यहाँ पहुँचती हूँ। फाइनल अल्ट्रासाउंड मेरा हो गया, वेट हो रहा है रिपोर्ट के आने का। और एक मैडम यहाँ पर बैठी हुई है, उनकी बन रही हैं रील वगैरह और इनका ज़रा कंडीशन ऐसी वैसी चल रही है। इनको भी अस्पताल एक बार कुछ आगे फिर वापस जाने भी कह रहे हैं, मैं भी मायके जाने का मन कर रहा है बोल तुम्हारे जैसे, तो इसको भी फिर हॉस्पिटल लेके जाना है। तो फ्रेंड्स अभी रिपोर्ट में पता नहीं, ऐसे बताया डॉक्टर ने कि दवाइयाँ खाने की फिर से उम्मीद जाग होती हैं, दो दिन जिसमें दवाई बंद कर ली थी तो फिर से दवाई स्टार्टिंग हो चुकी हैं। तो करते हैं रिपोर्ट का वेट, फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट साइड, तब तक के लिए बाय। तो गाइस फाइनली हम हॉस्पिटल से पहुंच गए हैं मार्केट साइड, और पूरी मार्केट आज बंद है क्योंकि आज है बुधवार। और हम फिर से पहुंच गए हैं भैया की दुकान में, कुछ बोलो बोलो। चश्मे बद्दूर स्मार्ट भैया, आप ऐसे कैसे चले जा रहे हो? ये थोड़ी क्या चश्मे बद्दूर क्या, एक शायरी याद आती है, सुनाओ सुनाओ। अरे भैया सुना रहे हैं, किस तरह के लोग हो आप, किस दुनिया में जिंदा कैसे हो तुम लोग? अबे यहां मारा मारी चल रही है पैसे की, भैया कहाँ से आते हो तुम लोग? हम अभी कोई से आए जंगल से, तो जाओ ना, तुम्हें पकड़ के भेजा जाएगा फिर जंगल में। अभी जा रहे हैं चिड़ियाघर, तो तुम्हें छोड़ रहा। तो भैया आप शायरी सुना रहे थे, शायरी मेरी ये है कि चाहे आप रहो इस जहान में या उस जहान में, खुदा नजर रखता है हर जहान में, और जो भूले बैठे हैं अपने काम को इस जहान में, वो बेरोजगार रह जाएंगे उस जहान में। जो रास्ता मिले ढूंढ ले तू इस जहान में, क्योंकि कोई भी सिफारिश काम में नहीं आएगी उस जहान में। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। एक और एक और एक शायरी है मेरी, मैं लिखता हूँ। अच्छा, मतलब भैया शायर हैं, ये शायरियाँ लिखते रहते हैं, है कि नहीं भैया? रिंग्स होंगे आपके पास झूम के टाइप के, झूम के टाइप के तो अभी खत्म हो गए, अभी शायरियाँ चल रही है। अभी शायरियाँ चल रही हैं भैया, शायरियाँ सुना रहे हैं। अच्छा मैं सोचू की त्यौहार शायरी का होगा। मेरी शायरी है, मैं एक पोएट्री भी लिखता हूँ ना, एक बार जब तक अपना कैमरा कहीं और घुमा लो। अच्छा कहीं और तो कलर का क्लेचर को दे सकते, येलो कलर भैया अब आगे क्लेचर देंगे, तब तक हमारी मैडम है जो घूट रही हैं, इनको पसंद नहीं आया। मुझे बच्चों की ये वाले एयरबैंड बड़े मस्त लग रहा है, मैं अभी बहुत ही ठहरी रहा क्या करूँ, टाइम पास करना आ रहा है कि रिपोर्ट अभी तक हमारी आई नहीं है, कि यहाँ पर टाइम पास करने आ गए हैं अभी हम। दूसरी बात ये कि शादी भी नहीं लगी है, तो वाइफ पर लगेगी कौन बना रहा, कौन मेरे को वाइफ में नहीं हाँ, पैसा इम्पोर्टेंट है। शायरी से आना पैसे मिले तो कह रही, मैं काम पे ध्यान दो तो भी तो वाइफ आएगी, फेमस हो जाएंगे भैया अगर शायरी तो वाइफ पहले लोग होता है। हम तो यहाँ पे एक मंदिर के घंटी की तरह हैं, जिसका मन चाहता है वो बजा के चला जाता है, और कुछ कह भी नहीं सकते, पैसा भी नहीं चलेना है। हाँ ये भी है, तुमने शांत बैठ नहीं, लेकिन ये तो कोई और होता सुना देता है, सुना देते हैं तो कितनी बातें सुना के चले गए आपको, होता है ना ये, उसने जिस हाल में लिख दी है उस काट उसको तो गुजारना ही है। अब इनका सुनाना भी एक लिखा था मेरे ख्याल से, सुना लो भाई। कितने की है? शायरी ये हैं जो मैंने खुद लिखी है, मुझे बहुत प्यारी है, आज मौका लगा है तो आपको सुनाता हूँ। वैसे ये गुमनाम थी, आज इनको नाम दे देते हैं आपका, कि तेरा ख्याल भी अब मेरे ख्याल में नहीं आता, तेरा ख्याल भी अब मेरे ख्याल में नहीं आता, तू आता था पहले सबसे पहले, अब किसी के बाद भी नहीं आता। और गुजर जाती हैं रातें अब वक्त की तरह, अब कोई भी सवाल मेरे जहन में नहीं आता, मेरा फैसला जो भी था मुझे गिला नहीं, तेरा फैसला जो भी था मुझे गिला नहीं, मुझे मालूम था कि तेरे हिस्से में मैं नहीं आता। और नासूर बन गया है अब मेरा जख्म, नासूर बन गया है अब मेरा जख्म, अब कोई भी इलाज मेरे काम नहीं आता। और है बहुत है, मोहब्बत का तो खाओ ही बुरा, मोहब्बत का तो खाओ ही बुरा, कौन इसकी चपेट में नहीं आता। ये भी सही है। और मुझसे दूरियां बनानी है तो बना लो, मुझसे दूरियां बनानी है तो बना लो, मगर एक बात याद रखना, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। ये भी सही बोल, और इज्जत ढूंढते फिर रहे हो अमीरों की महफिल में जो मिलती नहीं है, इज्जत ढूंढते फिर रहे हो अमीरों की महफिल में, गरीबों के घर जा, गरीबों के घर क्यों नहीं जाता।
और हमको कोई पूछता ही नहीं है क्यों आएगा कोई हमारे घर गर्मियों में कोई नहीं पूछता है। और जिस बाप ने अपना खून बहाकर तुझे जवान कर दिया, जिस बाप ने अपना खून बहाकर तुझे जवान कर दिया, 10-20 का जोड़ा है, 20 का जोड़ा चलो सुना लो, जिस बाप ने अपना खून बहाकर तुझे जवान कर दिया, अब तू उसी बाप के काम नहीं आता। और ये कैसे लोग हैं, ये कैसी दुनिया है मैडम, ये कैसे लोग हैं, ये कैसी दुनिया है, ऐसी है भैया जैसे आपको दिख रही है, कोई भी बिना मतलब किसी के काम नहीं आता। ये भी सही बोल रहे, मतलब की दुनिया है, अभी मतलब से बैठना है यहाँ पे। वो भैया के जो कस्टमर आ गए हैं बहुत ज्यादा, तो वक्त चलते बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि हॉस्पिटल से आने में देर हो गई थी और बहुत ज़्यादा टाइम जो वहीं लग गया था, तबीयत ख़राब ही चल रही थी, अभी भी तबीयत बहुत लो में ही चल रही है। सर मैं यूँ तेल वेल डाल के मैं सोची कि सर दर्द हो रही थी मेरी इसलिए, और पेट में पेन फिर से जैसा पहले था वैसा ही हो गया। बीच में मैंने दवाइयाँ कंटिन्यू खाई थी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ 1-2 घंटा दवाई खाने के बाद उतना रेस्ट मिल पा रहा था। फिर दवाइयाँ मैंने 2-3 दिन लगातार दवाइयाँ छोड़ दी तो फिर से पेन वैसा ही हो गया था। तो फिर से मैं कल अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो फिर से मुझे जो बीमारी पहले बताई थी वही अपेंडिज वही बीमारी बता रही है, पर उस बीमारी का ऐसा है कहा है कहाँ पर पेट में ये पता नहीं चल रहा है, तो इसका कोई पता नहीं है कि कहाँ पर है क्या है अभी कुछ, मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं कि है, ये कन्फर्म है कि है बीमारी, पर कहाँ पर है इसका कोई पता नहीं है। अब भैया ऐसे में हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, सिर्फ डॉक्टर के पास ही जा सकते हैं, फिर डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है तो हम किसके पास जाएंगे, ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दवाई मैं लेकर नहीं आई, खाली सिर्फ मैंने कल अल्ट्रासाउंड करवाया और थोड़ा प्रीति को दिखवाना था हॉस्पिटल, उसको दिखा कर लेकर आए। फिर लगभग 3:30-4 तो हमको हॉस्पिटल में ही बज गया था, वैसे नंबर तो मेरा जल्दी लग गया था, पर रिपोर्ट लेने से पहले हम प्रीति के साथ चले गई थी, तो मैं रिपोर्ट इस वजह से फिर लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से आने के बाद वहाँ जिठानी लोगों के वहाँ पर वो थी, क्या थी वो, हाँ शराब चल रही, जो शराब था तो हम लोग शराब का खाना सभी लोगों ने खा लिया था, सिर्फ तो मैं ही बची थी। तो मैं फिर वहाँ चले गई थी, वहाँ से आने के बाद हल्का फुल्का घर का काम जितना हो सकता है मैंने किया। तो ऐसा ही चल रहा है गाइस, तबीयत लो चल रही है, ऐसे ब्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ मैं क्योंकि मन नहीं होता है ना, अगर कुछ हो तो किसी भी चीज़ को लेकर मन नहीं करता है, तो मन नहीं कर रहा ब्लॉग व्लॉग बनाने का, जाओ भी तो कहाँ जाओ, 24 घंटे बिस्तर में ही सो रह जा रही हूँ मैं इस वजह से। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, दिन का टाइम है अभी भी, और लोग बाहर क्या कर रहे हैं ना, ककड़ी के बेल में से ककड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, और अम्मा को हमने खाना दे दिया, दिन का खाना भी बन गया है। तो गाइस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी क्योंकि है नहीं कुछ अभी ऐसा कुछ बनाने के लिए ब्लॉग, क्योंकि मैं अभी घर ही पे ही हूँ। तो इसी के साथ करते थे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कोशिश करूँगी कि ब्लॉग आगे को अच्छे बने या कंटिन्यू बनते रहें, तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए आप लोगों का, थोड़ा सा सपोर्ट और करें मुझे। तो इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।